जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में उत्तराखंड संस्कृति दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसके चलते विश्वविद्यालय यहां विद्यालय में पहाड़ की पौराणिक परंपराओं पर आधारित लोकगीतों का भव्य मंचन किया गया। इस दौरान नंदा राजजात पर आधारित प्रस्तुति मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिसका छात्र छात्राओं व अतिथियों ने खूब आनंद लिया। साथ ही स्थानीय पकवानों को भी परोसा गया। मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण अधिकारी उमेश रावत और पीटीए अध्यक्ष राजेंद्र नोटियाल, प्रधानाचार्य आरएस भदौरिया ने सरस्वती एवं इंद्रामणि बडोनी के चित्र सम्मुख दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने पांडव नृत्य पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कहने का है कि बडोनी जी का जो योगदान उत्तराखंड के लिए रहा है वो अविस्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जितना त्याग और बलिदान किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता, इसीलिए उन्हें जो है गढ़वाल के या उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना गया है। तो एक गांधी जी वो हुए जो देश के लिए थे और एक गांधी जी उत्तराखंड के हुए जो बडोनी जी थे। तो मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और धन्यवाद आदरणीय सेमाल जी, नेगी जी। संस्कृति दिवस राज्य सरकार द्वारा पूरा विद्यालय में मनायणो छे और हम तो हर्ष छे कि आज हर विद्यालय का बच्चा लोक संस्कृति लोक साहित्य की तरफ अग्रसर होना छन। आज हम भी पहले राजकीय इंटर कॉलेज मालतोली माँ हमारे विद्यालय में कार्यक्रम छो, फिर जगदम्बा चमोला मुरली दीवान और मैं राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग माँ हम यूँ बच्चों का बीच कुछ कविता सुनाई। ये से पहले एक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आया तैसे लगी कि नई पीढ़ी चलो। और जो अभी इस वर्ष हमारे जो चार धाम यात्रा हुए उसमें जिस तरह से लोग आए और जिस तरह से व्यवस्था की गई, ये सब ये दर्शाता है कि हमारा हमारा राज्य कितना दूसरे राज्यों में प्रचलित होता जा रहा है और हमारी जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो संस्कृति है, ये बहुत रिच है। और मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है आज कि मैं मुझे ये अवसर मिला है कि मैं इस उपलक्ष पे इस स्कूल पे आया हूँ और बच्चों के सम्मुख ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का मुझे मौका मिला है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारी संस्कृति है, हमें उसे बचा के रखना है, हमें दूसरी संस्कृति अपनानी है, सीखनी है, लेकिन अपनी संस्कृति जो हमारी है हमें उसे बचा के रखना है। गाँव में हम लोग देखते हैं कि लोग पलायन करते हैं, अच्छी बात है, लोग पलायन करना तो वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोग काम के लिए बाहर जाते हैं, अपनी उन्नति के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो उनमें एक अलग सा एटीट्यूड देखने को मिलता है। वो समझते नहीं है कि वो गढ़वालियों को समझते हैं कि ये गंवार है, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि वो इसी भूमि से उठकर वो आए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें